सर बारिश ही मुसीबत नहीं लाती, भूकंप भी लाती है। आपको दिखाते हैं भूकंप की ऐसी तस्वीर जो बहुत खौफनाक है। मेक्सिको में भूकंप से मरने वालों का आंकड़ा 250 पार कर गया है। रिक्टर स्केल पर 7.1 की तीव्रता से आए विनाशकारी भूकंप ने मेक्सिको सिटी की 44 इमारतों को जमींदोज कर दिया। भूकंप से हुई तबाही की पहली तस्वीर है। भूकंप के एक झटके से कैसे ही बहुमंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो गई। सात दशमलव एक की तीव्रता के भूकंप ने ऐसी एक तो नहीं कई इमारतों को जमींदोज कर दिया। भूकंप के दौरान एक वाटर पार्क की विचलित करने वाली तस्वीर सामने आई। एक झटकों से वाटर पार्क में लगी नावें इधर उधर झूलने लगी। पानी की तेज और उफनती लहरों को देखिए जो बयां कर रही है कि तबाही का यह मंजर कितना भयानक है। भूकंप की वजह से एक बिल्डिंग में काफी तेज धमाके के साथ आग लग गई, जिसमें ऊंची ऊंची लपटें भी निकलती देखी गयी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ये तस्वीरें आप देखिए भूकंप के वक्त की हैं। पूरी की पूरी इमारत जो है वो कैसे ढह गई आप इसको इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। 32 साल बाद ठीक उसी दिन भूकंप आया है जो जिस तरीके का भूकंप 32 साल पहले आया था और मेक्सिको को तबाह करके गया था। 19 सितंबर की तारीख तब भी थी, अब भी थी, और विनाश की तस्वीरें कमोबेश वैसी ही थी। भारी तबाही मेक्सिको सिटी में हुई है और ये एक बिल्डिंग की आप तस्वीर देख रहे हैं जो जमींदोज हो गया। ऐसी 44 इमारतें बताई जा रही हैं जो पहले कभी खड़ी भी थी, कभी मौजूद भी थी, इसका कोई निशान तक नहीं बचा है। 44 इमारतें खत्म हो गए। अब इसमें जो लोग रहे होंगे आप उनका अंदाजा लगाइए। 250 से ज्यादा मरने वालों का आंकड़ा हो गया है और सैकड़ों लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि वहां पर राहत और बचाव का काम चल रहा है, लेकिन जब अचानक से इतनी इमारतें गिर जाएं, जमींदोज हो जाएं, तो सब जगह से लोगों को निकाल पाना और बहुत तेजी से निकाल पाना कई बार मुश्किल होता है। जो पूरा सिस्टम होता है वो भी इतनी भयावह तबाही के लिए तैयार नहीं होता। अब आपको मेक्सिको में आए भूकंप से जुड़ी कुछ बड़ी बातें बताते हैं। मरने वाले लोगों का आंकड़ा 250 के पार पहुंच गया है, जैसा मैं आपको बता रहा था। इसके अलावा जो कुछ तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं वो तो है ही। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता जो है वो 7.1 की थी। भूकंप का केंद्र पुएब्ला प्रांत के एंटेसिगो के पास बताया जा रहा है। यह इलाका मेक्सिको सिटी से 120 किलोमीटर की दूरी पर है और तब भी आप देखिए कि कितना नुकसान मेक्सिको सिटी में हुआ है। दर्जनों इमारतें जमींदोज हुई, मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। मेक्सिको सिटी के कई इलाकों में फोन सेवा जो है वो बाधित है। जाहिर तौर पर जब इतना नुकसान होगा तो फोन कहां से चलेंगे, और करीब 40 लाख लोग इस वक्त बिना बिजली के वहां पर हैं।